दोस्तों, अगर आप भी भारतीय महिला टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार। आज न्यूजीलैंड महिला टीम के खिलाफ भारतीय महिला टीम की गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करवाकर न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा डाले और 50 ओवर में मात्र 200 रन के अंदर ही रोक पाने में टीम कामयाब हो सकी। और आखिरकार ये कैसे हुआ वो सब तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या मानते हो कि भारत और न्यूजीलैंड में कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? किसी एक टीम का नाम नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के रोमांचक मुकाबले दिन प्रतिदिन खेले जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज भारत का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड महिला टीम के खिलाफ जारी है, जहां आज के इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी। न्यूजीलैंड की टीम का प्रदर्शन आज उतना ज्यादा खास अच्छा रहा नहीं जिसके लिए वो जानी जाती है। दरअसल दोस्तों, आज मैदान पर सूजी बेट्स और सोफी डिवाइन जब उतरी तो दोनों ही बल्लेबाज आज के इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। दरअसल पहला बड़ा झटका पूजा वस्त्रकार ने सूजी बेट्स को रन आउट करवा कर दिया, जहां सूजी बेट्स आज 10 गेंदों में 5 रन बनाकर रन आउट हुई। और वहीं सूजी बेट्स के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी एमिलिया केर, जहां सोफी डिवाइन और एमिलिया केर ने मिलकर अच्छी साझेदारी की और इस दौरान सोफी डिवाइन ने 30 गेंदों में 35 रन बनाए। हालांकि उनको 11 ओवर की 6 गेंद पर पूजा वस्त्रकार ने ऋचा घोष के हाथों कैच आउट करवाया, तो एमिलिया केर ने 64 गेंदों में 50 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए। हालांकि 22वें ओवर की 6 गेंद पर राजेश्वरी गायकवाड़ ने उनको LBW बोल्ड किया। तो वहीं दोस्तों, फिर मैदान पर उतरी एमी सेदरविट और मैडी ग्रीन, जहां इस मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई। जी हां दोस्तों, एमी सेदरविट ने आज के इस मुकाबले में 84 गेंदों में 75 रन बनाए, तो वहीं मैडी ग्रीन 36 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटी। हालांकि मैडी का विकेट दीप्ति शर्मा ने स्मृति मांदना के हाथों कैच आउट करवा कर लिया, तो वहीं एमी सेदरविट पूजा वस्त्रकार की गेंद पर मिताली राज को कैच थमा बैठी और इसी के साथ न्यूजीलैंड महिला टीम के बाद एक विकेट गिरे। लेकिन हम आपको बता दें कि आज भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिखाया है, क्योंकि यहां भारतीय गेंदबाजी से जितनी उम्मीद थी उससे कई ज्यादा गुना तक न्यूजीलैंड की टीम को कम स्कोर तक वो रोक सकी, जिसके चलते अब यह मुकाबला भारतीय टीम की बल्लेबाजों पर डिपेंड करता है कि वो आखिरकार इस मुकाबले को किस तरह से जीतेंगी। क्योंकि अगर यहां पर भारत को ये मैच आज जीतना है तो भारत को किसी भी हाल में अच्छी बल्लेबाजी अब यहां से करनी होगी। लेकिन बाकी यहां पर सभी देख सकते हो कि क्या हाल आज पहली पारी में रहा है। बाकी अब दोस्तों, आपकी क्या राय है भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों के आज के इस प्रदर्शन के बारे में और आप भारतीय महिला टीम को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।